हे गाइस, तो स्वागत है आपका इंजीनियर प्राइम यूट्यूब चैनल में। तो आज हम दिखाएंगे अपना छोटा सा एक स्टूडियो और मैंने इस छोटी सी मिनी स्टूडियो को कैसे सेटअप किया हुआ है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, एक हमारा छोटी सी बैटरी है और एक है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। और फिर साथ ही हम दिखाएंगे मैंने इस स्टूडियो को कैसे मैनेज किया हुआ है। इस छोटे से टेबल पर मैंने एक अपने मोबाइल स्टैंड को फंसा रखा है, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है, जिसमें अपने मोबाइल को फंसा के हम नीचे वीडियो बनाते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं इसको इस टाइप से हम यहाँ फंसा लेते हैं। और फ्रेंड इसके ऊपर मैंने एक गत्ता लगाया हुआ है, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का है, मोटा सा थोड़ा है, दफ्ती टाइप में है, इसको हम इस पर रखे हुए हैं। ये व्हाइट कलर का हमारा जो दफ्ती बना हुआ है, ये एक बैकग्राउंड का हमारा काम करता है। इसको फ्रेंड हम चाहे किसी भी कलर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक नया ग्लू गन लिया हुआ है और मैंने एक पावर बोर्ड बनाया हुआ है, जैसा फ्रेंड आप देख सकते हैं। एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें दो स्विच और दो सॉकेट लगे हुए हैं। हमने इसको एक मोबाइल के बॉक्स में बनाया हुआ, पीछे से कट करके इसको मैंने आसानी से बना रखा है। ये हमारा वीडियो बनाने वाली जगहों को आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने एक स्टडी टेबल पे सब बनाया हुआ है, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं। स्टडी टेबल पे मैंने एक स्टैंड लगा के इस पे हम वीडियो को आसानी से बना लेते हैं। और इसी के साथ हमने एक छोटा सा और जुगाड़ बनाया हुआ है, उसको भी आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, वो है मेरा एक छोटा सा मोबाइल स्टैंड जिस पर हम रख के अपने वीडियो को बनाते हैं। और फ्रेंड, इस ये एडजस्टेबल है, इसको हम किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर फ़ोन को रख के हम इसको आगे पीछे अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको हम सेट कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको हम दिखाते हैं इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। मैं इस स्टैंड को साइकिल में यूज होने वाली पत्ती से बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और फिर ये ज़रूरत के अनुसार इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं और फिर इसको आगे पीछे खींच के आराम से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एकदम होममेड, एकदम इजी जुगाड़ है ये। इससे हम रख के मोबाइल पर मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं। ये जुगाड़ मोबाइल स्टैंड है फ्रेंड, इसको आप आसानी से अगर ढीला होने के बाद स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से कस सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि मैंने इसमें छोटे छोटे पेंच लगाया हुआ है। और फ्रेंड, ये सारा जुगाड़ मैंने एक मोबाइल के बॉक्स के ऊपर बना रखा है। और फ्रेंड, इसको हम आसानी से यूज में ले लेते हैं। और फ्रेंड, सारा सेटअप हमारा आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ट्यूबलाइट लगा रखी है, जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं इस ट्यूबलाइट के माध्यम से प्रकाश रहता है। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड, एक मैंने यहाँ पे MDM बोर्ड का एक लगाया हुआ है, जिससे कि एक बैकग्राउंड का हमारा एक काम करता है, जो कि फ्रेंड हमारी मोटी सी दफ्ती के टाइप में बना है बड़ा सा। और फ्रेंड, ये हमारा एक बैकग्राउंड का काम करता है। फ्रेंड, सारा सेटअप हमारा एक स्टडी टेबल पर बना हुआ है। और फ्रेंड, ये हमारा एक सोल्डर आयरन जिससे हम किसी भी चीज़ को सोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का मकसद ये था कि यदि आप भी एक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो फ्रेंड इस छोटे छोटे जुगाड़ से आप भी इस तरह से स्टूडियो अपना बना सकते हैं। और फिर छोटे मोटे वीडियो को आप बना सकते हैं ऐसे। तो फ्रेंड, हम तो छोटे छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस एक्सटेंशन बोर्ड को लगाने के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है। इस बोर्ड को भी मैंने ही बनाया, इसमें लकड़ी को काट के बिल्कुल इजी तरीके से मैंने इसको बना रखा है। और इसमें ज़रूरत के अनुसार मैंने 3 पिन और 2 पिन सॉकेट मैंने लगा रखा है, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल इजी बोर्ड मैंने बना रखा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।